देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। देश भर में आजादी की स्थिति 77वीं वर्षगांठ उत्साह एवं धूमधाम के साथ मनाई गई। इंदौर में अनेक स्थानों पर ध्वजारोहण के साथ ही अन्य कार्यक्रम भी संपन्न हुए। इसी कड़ी में सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के संयोजक सुनील सरदार के निर्देशानुसार शिक्षिकाओं के सम्मान समारोह के साथ ही उन्हें साहित्य वितरण भी किया गया। सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के राष्ट्रीय प्रभारी हुकुमचंद जादव सीनी के मुख्य आतिथ्य एवं प्रदेश अध्यक्ष सदाशिव यादव काका की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में विद्यालय संचालक मनोज बुढ़ाना, पूर्व सरपंच बहादुर सिंह डाबी, सर्व क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर कपिल सिंह चौहान एवं सत्यशोधक समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र यादव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इंदौर के बांगड़ रोड स्थित द न्यू एरा पब्लिक स्कूल की 60 शिक्षिकाओं के सम्मान के साथ ही उन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले एवं राष्ट्र की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जीवन दर्शन एवं परिचय को लेकर मेरा भारत महान संविधान पुस्तिका भेंट की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि सत्यशोधक समाज अंतर्राष्ट्रीय के राष्ट्रीय प्रभारी हुकुमचंद जादव सेनी ने सभी को संविधान की शपथ दिलाई। इस अवसर पर IPC बैंक से रिटायर्ड बैंक अधिकारी सुनील शुक्ला, यतेंद्र चौहान, महेश बुढ़ाना, रुपेश गोयल, अनिल कुमार शिंदे, चंद्रशेखर लहरे एवं मनोज सांवलिया सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। देखिए आज 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, तो आज़ादी उस समय दो तरह की चल रही थी। एक तो देश की आज़ादी चल रही थी जिसमें तमाम क्रांतिकारी लोग भाग ले रहे थे, एक आज़ादी चल रही थी सामाजिक आंदोलन। तो सामाजिक आंदोलन में महात्मा ज्योतिराव फुले, संत गाड़गे जी, कबीरदास जी ऐसे महान महापुरुष रहे हैं। तो आज हमने जो इनको सम्मान किया है, टीचरों का सम्मान किया है, हमारे सत्यशोधक समाज का 150वां स्थापना वर्ष चल रहा है, उस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर अध्यापिकाओं का, टीचरों का सम्मान किया, इनको साहित्य दिए और मनोज भाई का जो हमको सहयोग मिला है उसके लिए हम दिल से आभारी हैं। फूले अपने आप में एक ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में नाम है जिसको संपूर्ण महिला समाज को, जिनके ऊपर नाच करना चाहिए, वो प्रथम महिला शिक्षिका रही हैं और ये हमारा अपना सौभाग्य है कि हम उनके वंशज रहे हैं। आज सेनी वाली समाज द्वारा यहाँ हमारे विद्यालय में आकर के जो टीचर्स का सम्मान किया है उसके लिए हम उन्हें सत्यशोधक समाज द्वारा जो सम्मान किया गया है उसके लिए उनको हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और जो संविधान की प्रतिज्ञा पुस्तिका के माध्यम से उन्होंने जो दिलवाई है उसको मैं और मेरा संपूर्ण स्टाफ जो यहाँ पर है उसको परिपूर्ण पूर्ण पालन करने का प्रयास करें। ऐसे आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे शिक्षकों को आज स्वतंत्रता दिवस के दिन जो भी सम्मान दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही मैं मेरे जितना भी स्टाफ यहाँ मौजूद है उनको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनका जो साथ है और सहयोग हमको मिल रहा है वो आगामी हमको ऐसे ही मिलता रहे और हम यही तरक्की करें। बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर मैं तो कहना चाहूँगी कि बालिकाओं को जो सबसे आगे बढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो दो घर को निभाती है, उसके जो मायका पक्ष जिसे बोलेंगे और एक ससुराल पक्ष, तो उसका तो शायद शिक्षा के क्षेत्र में उसको उतनी तरक्की करना चाहिए क्योंकि उसको दो घर को आगे लेके चलना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पर आगे बढ़ते रहना। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जैसा और 150वीं जयंती ज्योतिबा फुले की जो वर्ष चल रहा है 150वां, उस अवसर पर हमने यहाँ स्कूल के अंदर आकर आज यहाँ के सारी शिक्षिकाओं का, जो कि वास्तव में राष्ट्र निर्माता हैं
और ज्योति अपने हमारी सावित्रीबाई फुले के कारण ही आज हमारे समाज के अंदर शिक्षिकाओं का महत्व बढ़ा, शिक्षिकाओं की नियुक्ति हो रही है और यहाँ पे हमने सत्यशोधक समाज के सारे कार्यकर्ताओं ने सारे अपने सदस्यों काका जी, यादव जी, हमारे सभी लहरी जी हैं, सिंधे जी हैं, सभी लोगों ने आकर। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।